गाइज, हम में से ज्यादातर लोग तो यही चाहते हैं ना कि उनका हर काम बेस्ट हो और लोगों से उनके रिलेशनशिप अच्छे बने रहें, और साथ ही लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा पसंद करें और उनकी कंपनी को एंजॉय करें। तो फिर आपको डेल कार्नेगी की बेस्ट बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक में डेल ने 6 प्रिंसिपल की बात की है जो कि किसी को भी इन्फ्लुएंस और इम्प्रेस करने की टिप्स के बारे में है। अब वो क्या है ना कि इस दुनिया में किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंस करके उससे अपना काम निकलवा पाना सच में एक बेहतरीन आर्ट है, और इस बुक में जो प्रिंसिपल डेल ने बताए हैं ये आपको वो आर्ट सिखाने में काफी हेल्प करेंगे। इन प्रिंसिपल्स को जानने और अपनी लाइफ में फॉलो करने से ना सिर्फ आप किसी को भी इन्फ्लुएंस करने के आर्ट को सीख जाते हैं, बल्कि आप इन प्रिंसिपल को जानकर अपने कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये तभी हो पाएगा जब आप इन प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इन प्रिंसिपल को यूज करके आप अपने आसपास के लोगों से अपना काम आसानी से निकलवा सकते हैं। सो चलिए वीडियो में आगे जानेंगे इसके बारे में, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए सबसे पहले ऐसी टेक्निक्स पर बात करते हैं जिसका यूज करके आप किसी को भी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। सो सबसे पहला प्रिंसिपल है डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। मतलब आपको लोगों को कड़वी या तीखी बातों से उनका क्रिटिसाइज नहीं करना है। इस बुक का सबसे पहला प्रिंसिपल यही है जो हमें बताता है कि हमें किसी भी इंसान को क्रिटिसाइज करने से पहले उस पर्सन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब हमें ये जानना चाहिए कि वो पर्सन किस तरह से बिहेव कर रहा है और क्यों कर रहा है। जब आप लोगों से उनकी बुराई करने की जगह उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे तभी सिचुएशंस आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा करने से न सिर्फ आप उनको समझ पाएंगे बल्कि आपके अंदर भी पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली अपनी बुराई सुनना किसी को भी पसंद नहीं होता। लेकिन वही बात अगर आप बेहतर तरीके से कहेंगे तो लोगों को भी वो सुनने में अच्छा लगेगा और वो बुरा मानने की जगह आप पर भरोसा करेंगे। बात करते हैं दूसरे प्रिंसिपल की। दूसरा प्रिंसिपल है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन, यानी कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको पूरी ईमानदारी और साफ मन से दूसरों की तारीफ के साथ साथ उन्हें इनकरेज भी करना चाहिए। ये प्रिंसिपल किसी भी तरह के इंसान से कुछ भी करवाने का सबसे आसान और बहुत ही बेनिफिशियल तरीका है, उस इंसान की जेन्युइनली और ऑनेस्टली तारीफ करना, क्योंकि तारीफ सुनना हर किसी को पसंद होता है, अच्छा लगता है, लेकिन आपकी बातें उसे किसी भी तरह से नकली या फेक नहीं लगनी चाहिए, यानी वो बातें झूठी ना हो। इसलिए जब कोई किसी की तहे दिल से तारीफ करता है तो वो तारीफ उस इंसान के मन पर आपकी गहरी छाप छोड़ती है। आपकी पूरे मन से और ईमानदारी से की गई एक तारीफ वो पर्सन लाइफ टाइम याद जरूर रखता है, और ऐसे में जब आप उसे कुछ भी करने के लिए कहेंगे तो वो खुशी खुशी आपका काम करने के लिए तैयार भी हो जाएगा। तो है ना, ये सबसे इफेक्टिव और बेहतरीन तरीका लोगों को इन्फ्लुएंस करने का। चलिए बात करते हैं तीसरे प्रिंसिपल के बारे में, अराउज इन द अदर पर्संस एंड ईगर वांट। मतलब आपको दूसरों के मन में आपके काम के लिए क्यूरियोसिटी जगानी होगी। गाइस, किसी भी काम को करवाने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि उस काम को करने के लिए आप दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए ताकि वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके दिमाग में कोई बहुत ही अच्छा आइडिया है और आप चाहते हैं कि आप उस आइडिया पर काम भी करें, लेकिन वो अकेले करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में आपको दूसरों के सामने उसे रखना भी तो होगा, जिससे बिल्कुल भी ये महसूस ना हो कि वो आपका आइडिया है, बल्कि सामने वाले को ये लगना चाहिए कि वो उसी का आइडिया है। मतलब आपको अपने आइडिया को लोगों के दिमाग में पूरी तरह से फिक्स कर देना है, जिससे वो आपके आइडियाज को समझ कर उस आइडिया पर काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी हो जाए। गाइज, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग इस साइकोलॉजी का यूज करके अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफी फायदा उठाते हैं। अब आ जाते हैं चौथे प्रिंसिपल पे। चौथा प्रिंसिपल है जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। मतलब आपको पूरे दिल से लोगों में इंटरेस्ट लेना शुरू करना होगा अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपके साथ लॉयल फ्रेंडशिप बनाए रखें, तो आपको इस रूल को जरूर अपने ध्यान में रखना चाहिए। पूरे दिल से लोगों में इंटरेस्ट लेने का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, लोगों को आप स्मार्टली इन्फ्लुएंस कर पाएं, तो प्योर इंटेंशन से उनके बारे में सोचना भी होगा और उनके साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करना होगा।
क्योंकि लाइफ में रियल और लॉयल लोगों को अपने साथ बनाए रखने के लिए आपको अपनी सेल्फिशनेस की आदत को छोड़ना होगा, क्योंकि सेल्फिश होते हुए आप किसी की पूरे मन से ना तो हेल्प कर पाते हैं और ना ही उनसे जुड़ पाते हैं। और यही सारे रीजन होते हैं जो लोग आपके बारे में ज्यादा याद रखते हैं कि आप उनमें कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो अब बात करते हैं पांचवें प्रिंसिपल की, रिमेम्बर द नेम ऑफ द पर्सन। गाइज, जब बात करते समय आप सामने वाले को नाम से बुलाते हैं तो ये बात उसे बहुत इंप्रेस करती है, क्योंकि हर इंसान के लिए उसका नाम बहुत खास होता है, ज़रूरी होता है। और अगर किसी के लिए अपना नाम ज़रूरी नहीं है तो वो नहीं चाहता कि वो दुनिया में अपना नाम रोशन करे या फेमस हो। गाइज, फेमस राइटर शेक्सपियर का एक फेमस कोट है कि व्हाट्स इन द नेम, मतलब नाम में क्या रखा है। लेकिन आपका नाम बहुत मैटर करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ब्रांड के नाम से आप उसे पहचानते हैं। इसीलिए हर इंसान के लिए उसका नाम सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि नाम ही वो चीज़ है जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग बनाती है। दैट्स वाई अगर हम किसी पर्सन को उसके नाम से बुलाते हैं तो वो उसके लिए बहुत अच्छा फील करता है, वो आपको पूरे अटेंशन के साथ सुनता है। आपने भी कई बार ये नोटिस किया होगा कि जो लोग हायर पोस्ट पे पोस्टेड होते हैं वो अपने से नीचे काम कर रहे लोगों के नाम याद नहीं रखते। लेकिन अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो आपको अपने से नीचे काम करने वाले लोग या फिर अपने साथ काम करने वाले लोगों के नाम याद रखने चाहिए। इससे उन्हें ये फील होगा कि आप उनकी असल में कितनी वैल्यू करते हैं। सिक्स्थ प्रिंसिपल, टॉक इन टर्म ऑफ अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। अब बातचीत दो लोगों के बीच होती है, और अगर टॉपिक कॉमन नहीं है या सामने वाले के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है तो लोग आपसे ज़्यादा बात कर ही नहीं पाएंगे। मतलब सामने वाले की पसंद के हिसाब से ही बात करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी इंसान से लंबे समय तक बिना बोर हुए आप बात कर पाएं तो ये प्रिंसिपल आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब आप इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर अपनी कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे तब आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कितना टाइम आपने उस पर्सन से बात करते हुए बिता दिया है। वैसे हम लोगों की एक आदत होती है कि जब हम किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो हम उनसे अपने ही बारे में बात करने लगते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है कॉन्वर्सेशन का। इसीलिए जब भी आप किसी नए पर्सन से मिलें तो आपको अपनी बात कहने के साथ साथ सामने वाले की भी बात ध्यान से सुननी चाहिए। और वैसे भी जब तक हम सामने वाले पर्सन की बातें सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि वो पर्सन किस तरह का है और अपनी रिलेशनशिप को आप स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। सो गाइज, इस बुक में बताए गए प्रिंसिपल का यूज़ करके आप आसानी से किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस करके अपना काम निकलवा सकते हैं, ये आर्ट सीख सकते हैं। सो गाइज, कैसा लगा वीडियो और कैसे लगे आपको ये प्रिंसिपल्स, और क्या आप इन प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं, और कौन सा प्रिंसिपल आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आज के वीडियो में इतना ही। सो गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।